प्रिय छात्रों, कल हमने आपको दूसरी प्रश्नावली समाप्त करवाई थी। आज हम आपको करवा रहे हैं तीसरी प्रश्नावली। तीसरी प्रश्नावली में हम जो प्रश्नावली है वो माध्य है। क्या है? माध्य यानी राशियों की तुलना है हमारे पास में। तो हम बता रहे हैं आपको माध्यिका। माध्यिका सूत्र है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये माध्यिका है। औसत का सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये हमारे पास में औसत निकालने का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? हमारे पास में माध्य निकालने का सूत्र है। जिस अंक की बार बार गणना की जाती है वो उस अंक की क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। अब पहला जो सवाल कहता है, अपनी कक्षा में किसी 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए, परिसर क्या होता है? अधिकतम में से न्यूनतम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो वह उसका क्या जाता है? परिसर आ जाता है। क्या जाता है? परिसर आ जाता है। तो अब हमारे पास में कक्षा में विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का ऊंचाई अपने अनुसार कुछ भी मान लेंगे हम। तो ऊंचाई हमारे पास में जैसे यहाँ पर लिखी हमने कक्षा और यानी ग्राम में ऊंचाई, तो यहां पर देखिए आप यानी ग्राम में छात्र, जैसे कक्षा 6 में 2 छात्र हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? सपोज कीजिए 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार कक्षा 7 में 1 छात्र है, उसकी ऊंचाई कितने कर रहे हैं? उसकी 5 सेंटीमीटर। कितने कर रहे हैं? 5 सेंटीमीटर। 10 अपन इसमें कर देते हैं हम 5.7। क्या करेंगे इसको? फुट। तो इसमें हम जब ऊंचाइयां हमारे पास में होती हैं तो इसमें हम क्या ले लेंगे? इंच में ले लीजिए आप। किस में ले लेंगे? इंच में लेंगे। इंच में लेंगे, चलिए 5.7 इंच हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या ले लेते हैं हम? जैसे 4 इंच ले लेते हैं और 8 के अंदर हम 2 छात्रों की ऊंचाई कितनी ले लेते हैं? हम 6 इंच ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए परिसर क्या हुआ? अधिकतम देखो क्या है हमारे पास में, अधिकतम देखिए हमारे पास में अधिकतम क्या है? इसमें 4 इंच है हमारे पास में। अधिकतम क्या है? 4 इंच। न्यूनतम देखो, न्यूनतम इसमें क्या है? क्योंकि 6 छात्रों के हमारे पास में कक्षा 6, 2 छात्रों के, तो 2 छात्रों के देखिए आप क्या करेंगे? 5.7 में 2 का भाग दे दीजिए आप। 2 × 4 2 × 8 = 16 और 2 × 10 2.85 आएगी। और इसमें कितने आएगी? 3। तो न्यूनतम हमारे पास में होगी, तो न्यूनतम कितनी हमारे पास में भाई? 2.85। अब इनका परिसर क्या होगा? परिसर अधिकतम माइनस न्यूनतम हो गया, तो
तो क्या करेंगे इसको हम, अधिकतम कितना है हमारे पास बताइए आप, अधिकतम हमारे पास में चार है, माइनस 2.8, इसमें कितना आएगा बताइए आप, 15 क्या आएगा, 1.15, तो ये आएगा इसका। इसमें ध्यान देने उस बात है हमारे पास में, यानी अधिकतम में से न्यूनतम क्या कर देंगे हम इसमें घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। अब आपका सवाल आता है, ये पहला था आपका सवाल, अब मैं आपको दूसरा सवाल करवा रहा हूँ। कौन सा सवाल करवा रहा हूँ आपको, दूसरा सवाल करवा रहा हूँ। दूसरा सवाल तो कहता है कक्षा एक प्रश्न नंबर 2, कक्षा कक्षा के एक मूल्यांकन में, कक्षा एक के मूल्यांकन में, मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों का एक सारणीबद्ध रूप में कीजिए, सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। अब यहां देखो हमारे पास में संख्याएं हैं 8, 4, 6, 7। अब इसमें देखिए हमें सारणी बढ़ानी है, तो सारणी बढ़ाई है तो यहां देखिए आप यानि ग्राम में अंक, यानि ग्राम में गणना चिन्ह, गणना चिन्ह और यानि ग्राम में बारंबारता, बारंबारता। एक देखो कितने बार आया हमारे पास में, एक बार आया है, यहां एक करेंगे और यहां भी एक करेंगे। दो देखो छात्रों कितने बार आया हमारे पास में, एक दो, दो बार आया है, यहां पर क्या करेंगे हम दो करेंगे। तीन, तीन देखो कितने बार आया अपने पास में, एक एक बार। चार देखो हमारे पास में कितने आया है, एक दो तीन, तीन बार, एक दो तीन, यहां पर तीन करेंगे। पांच देखो, पांच कितने बार आया है, एक दो तीन चार।
से लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में पांच आ, कितना आएगा पांच। अब यहां ये बोर्ड पर नहीं दिख रहा इसलिए मैं इसका आगे यहां कर रहा हूं, मैं अंक गणना चिन्ह बारंबारता छह, छह देखो कितने बार आया हमारे पास में एक 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 दो तीन और ये चार, एक दो तीन ये चार, कितने आ गया चार। सात देखो कितने बार आया है एक दो बार ये दो। आठ देखो कितने बार आया है एक एक बार आया है। नौ देखो कितने बार आया है नौ एक बार ये एक। अब हम संख्या गिन लेंगे, देखिए कितनी संख्या है एक दो तीन और एक चार तीन सात सात पांच बारह बारह चार सोलह दो अठारह एक उन्नीस एक बीस, बीस संख्याएं होनी चाहिए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस हो गया हमारे पास में। इस प्रकार हम यही करेंगे। अब जो पूछ रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, अब इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है हमारे पास में नौ है, क्या है नौ है हमारे पास में सबसे बड़ा अंक क्या है नौ, ध्यान दे रहा हूं मैं सबसे बड़ा अंक नौ, क्या है हमारे पास में नौ है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक क्या हमारे पास में एक है, क्या है एक है। अब इसमें क्या कहता है अगला, तीसरा कहता है इन आंकड़ों का परिसर, परिसर क्या होगा इन आंकड़ों का परिसर। थर्ड पूछ रहा है परिसर, आपको बताया था अधिकतम में से क्या घटा देंगे न्यूनतम घटा देंगे, अधिकतम में से क्या घटाएंगे न्यूनतम। तो अधिकतम क्या है नौ माइनस एक बराबर कितना आएगा आठ, तो परिसर कितना है हमारे पास में आठ। अंक गणित का माध्य ज्ञात करना है, गणित का क्या करना है माध्य ज्ञात करना है, क्या करना है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य जब हम ज्ञात करेंगे तो इसमें देखिए आप ये आपको तीन सवाल होगा, अब इनको हमें क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए ध्यान दीजिए आप, मैंने माध्य का सूत्र बताया था आपको, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बताया था आपको। तो यहां लिख रहा हूं मैं माध्य आंकड़े की एरिया वाले पास में आंकड़ों का योग चार प्लस छह प्लस सात प्लस पांच प्लस तीन प्लस पांच प्लस चार प्लस पांच प्लस दो प्लस छ प्लस दो प्लस पांच प्लस एक प्लस नौ प्लस छ प्लस पांच पांच आगे प्लस आठ प्लस चार प्लस छ प्लस में सात बटे बटे कितना करेंगे यहां पर बीस करेंगे, कितना करेंगे हम बीस। अब यहां देखिए हमारे पास छह चार बारह दस सात सत्रह सत्रह पांच बाईस तीन पच्चीस पांच तीस तीस चार चौतीस 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 पांच कितने हो गए उनतालीस 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 छह सैंतालीस 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 दो उनचास पांच चौवन पिचपन 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 नौ कितने हो गए चौसठ सत्तर सत्तर पांच पचहत्तर पचहत्तर आठ कितने हो गए तिरासी 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 चार सतासी सतासी छह कितने हो गए हमारे पास में सतासी छह तिरानवे तिरानवे सात कितने हो गए हमारे पास में सौ, कितना आएगा हमारे पास में एक सौ और बटे कितना करेंगे हम इसको बीस, कितना करेंगे बीस। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए दो एकम दो दो पंजो कितना होगा दस, तो माध्य कितना आया हमारे पास में पाँच, कितना आया बेटा हमारे पास में पाँच। तो ये थे आपका दूसरे सवाल के चारों हल आपको मिल गए हैं, ठीक है।
पहला पूछता क्या कहता है, सबसे बड़ा अंक क्या है, सबसे बड़ा अंक हमारे पास में क्या था, 9 था, सबसे छोटा, दूसरा क्या कहता है, सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे छोटा अंक क्या हमारे पास में 1, तीसरे में पूछ रहा है आपका परिसर क्या है, तो परिसर का किस सूत्र का क्या होता है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान क्या कर देते हैं हम, घटा देते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, परिसर कहलाता है। और चौथा क्या पूछ रहे हैं, माध्य, माध्य मैंने आपको बताया था, माध्य निकालने का सूत्र, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो वो क्या है हमारे पास में, माध्य निकालने का सूत्र। तो ये क्या हमारे पास में आंकड़े हैं, इनको जोड़ दिया और कुल कितने आंकड़े हैं हमारे पास में, 20 का हमने क्या दे दिया इसमें भाग दे दिया, क्या दे दिया भाग। अब हमारे पास में प्रश्न आता है आपका तीसरा सवाल, कौन सा सवाल आता है आपका, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल में कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रश्न नंबर 3, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। अब आपको बताया था पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं उसे कहते हैं जो जीरो से शुरू होती हैं, कहां से शुरू होती हैं, जीरो से। पूर्ण संख्याएं 5 पूर्ण संख्या लिख रहा हूं मैं, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 और ये 4, ये होगी 5 पूर्ण संख्याएं। अब इनका माध्य ज्ञात करना, ये आंकड़े आएंगे माध्य, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये छात्रों अब यहाँ देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4 संख्याएं कितनी होगी हमारे पास में, 5, 4 + 3 = 7 + 2 = 9 = 10 आगे हमारे पास में तो क्या है, हमारे पास में 10 बटे कितना करेंगे 5, 5 × 5 और 5 में कितना होगा 10, तो बराबर कितने हैं हमारे पास में 2 आए, कितने आए 2 आए, आंकड़ों का माध्य कितना होगा हमारे पास में 2। तो छात्रों हमने 3.1 प्रश्नावली के हम आपको 3 सवाल हमने आपको करवाए हैं, इन सवालों को अपने गृह कार्य की कॉपी में करना है, साफ और स्वच्छ तरीके से करना है, और कल के वीडियो में आपको चौथा सवाल करवाएंगे। धन्यवाद।